नशे में डूबे हैं ये रहते हैं मदहोश। तो होली पर मेरी और पूजा की दंत ज्यादा बकवास मत करना और मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पे आंदा मत लेना, समझे तू? आपके पास अभी बहुत वक्त है, आप माशाल्लाह स्मार्ट हैं, एक्टिव हैं, आपके आगे भी जिंदगी के बहुत से रास्ते खुले हैं। मुझे उससे तलाक चाहिए। पागल तो नहीं होगी तुम? ये तलाक लेकर तुम अपनी जिंदगी भर के लिए धब्बा मांग रही हो। डैडी, राहिल से शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आप सिगरेट भी पीती हैं? आप कभी नमाज पढ़ती हैं सुबह? नमाज नहीं पढ़ती क्योंकि मैं काम ही ऐसा करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, ये आपकी फाइल्स। आप कुछ परेशान लग रही? जिंदगी में अगर थकन शामिल हो जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपकी तो जिंदगी की शुरुआत है, थकन तो आखिर की चीज है। लगता है मुझे जिंदगी आखिर से ही मिली। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? सोचूंगी नहीं तो जिंदा कैसे रहूंगी? जिंदा रहने के लिए ख्वाब की जरूरत होती है। आप चाहते हैं कि मैं ख्वाब देखूं, अपने आप को एक और धोखा दूं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ख्वाबों में रहें, मैं तो कह रहा हूं कि आप अपने ख्वाबों को जिंदा रखें, इसलिए कि अगर ख्वाब मुर्दा हो जाए ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा ये बताइए, आपने लंच कर लिया? जी नहीं, मैं लंच के लिए जा रहा था। तो चलिए फिर बाहर के लंच करते हैं। नहीं जी मैं। अरे नहीं, क्या हो गया, कोई बात नहीं, चलते हैं। चलें। राहिल, राहिल।
सॉरी, मुझे जरूरी काम से वापस जाना पड़ रहा है। तुम फिक्र मत करना, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। प्लीज डोंट गो बैक, गाड़ी छोड़े जा रहा हूँ, कहीं जाना हो तो शंकर को बुला लेना। लव यू। हेलो हेलो, जी सर, जी सर, मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। जी सर, सर मैं आपको क्या बताऊं, आपके जाने के बाद जैसे मुझ पर मुसीबत आ गई थी। जी सर, सर किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ सर। जी सर, बाय। आगे भी जिंदगी के बहुत से रास्ते खुले हैं। आप ख्वाहिशों के आसमान पर जितना चाहे जगमगा सकते हैं। केंजा, केंजा, चांजे खैरियत, यू लुक डिस्टर्ब। तुम्हें पता है खालिद ने मेरी कितनी इंसल्ट की है? क्यों? वो किसी और लड़की के सामने ये साबित करना चाह रहा था कि मैं उसके लिए मरी जा रही हूँ, पागल हो रही हूँ मैं उसके लिए। शांजे, टेक इट इजी, हो सकता है वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हो। मजाक? मजाक तो उसका अब मैं बनाऊंगी। क्या मतलब? अब से खालिद इस घर में नहीं आएगा। शांजे, तुम कैसे पागल जैसी बात कर रही हो? तुम जानती हो महमूद यज़दानी साहब के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हैं और वो हमारे कितने काम आ सकते हैं। अच्छा, तो तुम अपने मफादात के लिए मेरी इज्जत नलाम करना गवारा कर लोगी? It's not like that, शांजे। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। You just have to be understanding। ये कैसा बिजनेस है जिसमें इज्जत नहीं बाकी सब कुछ है? तुम जज्बाती हो रही हो। मेरी बात तुम्हें कौन से मेरे जज्बात की परवाह होती है? लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ना तो इस घर में खालिद आएगा और ना ही उसका बाप आएगा। शांजे प्लीज जरा आहिस्ता बात करो, नीचे डैडी ना सुन ले। डैडी क्या, तो पूरी कायनात भी सुन ले, मुझे किसी की परवाह नहीं है। सुन लिया तुमने? पापा, उसने भरे बाजार में मेरा गिरेबान पकड़ा, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। अरे बेटा, लड़कियां जज्बाती होती हैं, उन्हें गुस्से से नहीं दिल से काबू किया जाता है। लेकिन पापा, मैं अपने दिल का क्या करूं जिसके अंदर अब शांजे के लिए आग ही आग भरी है। वो भी आग, तुम भी आग, शोला तो भड़केगा ना बेटा। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए सब कुछ भूल जाओ। कैसे कैसे भूल जाऊं पापा? रक्षी मेरे साथ थी, मैं जब तक उसी तरह उसके ऊपर थप्पड़ नहीं मार लेता मेरा गुस्सा ठंडा होने वाला नहीं है। बेटा, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ नहीं होता, ऐसा इंतकाम लो कि दिन में तारे नजर आ जाए उसे। ठीक है, तो फिर आप वो टेंडर वापस लेंगे किंजा से जो आपने दिलवाया था? लाखों का झटका लगेगा ना, तो समझ आ जाएगी उन्हें। अरे बेटा, तुम इस वक्त जोश में हो, जोश में, और जोश में किए गए फैसले सही नहीं होते। पापा, मैंने आपसे कहा है ना कि आप वो टेंडर कैंसिल करवा दे। प्लीज पापा, प्लीज आप वो करवा दे कैंसिल बस। ए, बच्चों वाली बातें मत करो खालिद। देखो, दुश्मनी का भी एक सलीका होता है। तुम्हें जो थप्पड़ पड़ा है उसकी जलन मेरे दिल पर भी है। तुम्हारे थप्पड़ का जवाब मैं लूंगा, तुम्हारा बाप लेगा, ये मेरा वादा है तुझसे। ओके पापा, मैं वेट करूंगा।
मामा परेशान क्यों हो रही हैं? मैं कोई पहली बार तो घर से बाहर नहीं रही, आप तो जानती हैं ना मैडम को। अच्छा ठीक है, मैं आकर बात करती हूँ ना। आप ऐसे करें, टेलर से मेरे कपड़े उठा लें। ओके मामा, मैं आती हूँ तो बात करती हूँ। ओके बाय। Yes, come in. शंकर, तुम? बेगम साहब, मैंने सोचा कि शायद आपका कहीं घूमने फिरने का मूड हो तो मैं आ जाऊं। साहब नजर नहीं आ रहे, कहीं गए क्या? वो किसी काम से गए हैं और मेरा आज कहीं जाने का मूड नहीं है, तुम जाओ। ठीक है जी, जैसी मर्जी आपकी। अच्छा सुनो, तुम बाहर वेट करो, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप आराम से तैयार होके आए, कोई जल्दी नहीं। ऐसी क्या बात है इस लड़के में जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ, जिसे मैं सुनना चाहती हूँ? शाला ठीक नहीं लग रहा बेगम सर। कोई बात है क्या? नहीं। एक बात पूछूं आपसे जी। कौन सी बात? कल आपने कहा था कि आपका खुदा आपके दिल में रहता है। हाँ,
रहता तो है। और तुम्हारा भगवान मंदिर में यही ना? हमारा भगवान मंदिर में रहता है, लेकिन लेकिन फिर मेरे दिल में कौन रहता है? तुम्हारे दिल में ये तो तुम अपने दिल से पूछो। मुझे कौन जगा देता है? कौन मुझे बुलाता है अपने पास? मैं अपने आप में नहीं रहता। उलझे धागे कौन पिरोए, ये बंधन न माने, एक जरा सी सारी उलझन पर ये कोई ना जाने। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्यों कहीं खो जाता हूं? मुझे अपना नाम अपना नहीं लगता। कभी कभी तो चाचा से, पूजा से, सब लोगों से उलझन सी होने लगती है। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक गिरा सी पड़ जाती है। पूजा कहती है मुझ पे किसी का साया है। तुम तो एक पहेली हो शंकर। आपने भी तो मुझे मेरी पहेली का जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि पूजा बिल्कुल ठीक कहती है। ये आवाज सुन रही हैं आप? हाँ, अजान की आवाज है। आपको अजान की आवाज सुन के कुछ होता नहीं है क्या? क्या होता है या क्या होना चाहिए? सर, आपको पता है कामरान शानजे से शादी के ख्वाब देख रहा है, और वो मैडम को भी अपने हाथों में ले चुका है। जिस तरह से वो अपनी तेजी के साथ काम कर रहा है, मुझे तो लग रहा है वो पूरे ऑफिस पे कब्जा कर लेगा। जानता हूं, मैं सब जानता हूं रऊफ, वो बहुत मीठी छुरी है। पहले उसने मेरे थ्रू हमारी कंपनी में नौकरी हासिल की, उसके बाद किंजा की गुड बुक में आया, और अब शानजे की तरफ बढ़ा है, शादी के ख्वाब देख रहा है। देख लें सर, सब कुछ हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे। यू जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट इट रऊफ, उसे अभी अपने हाथ पांव फैलाने दो। वो तुमने मिसाल सुनी है 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो लोहार की बारी भी आएगी। आपकी मर्जी है सर, मैं तो आपको पल पल की खबर दे रहा हूं। तुम अपना काम करते रहो,
मैं कामरान के सारे प्रोग्राम्स को मलिया मेट कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। तुम हो तो राहिल के दोस्त, मगर तुमने ये बात साबित की है कि जॉब में वफादारी सिर्फ कंपनी के साथ होनी चाहिए। थैंक यू मैडम। कामरान, एतमाद का रिश्ता बहुत जरूरी होता है और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आप इत्मीनान रखें, मुझे आपके मुफादात का तहफ्फुज अपनी दोस्ती से ज्यादा अजीज है। That's great. अच्छा ये बताइए, वो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑर्डर्स हमारे पास पड़े थे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार हो गई? मैडम वो काम राहिल के पास था, लेकिन मैं सिस्टम में चेक करके आपको बता दूंगा।